हाय, मैं हूं मोहित कुंजाल फ्रॉम directorsinvestments.com। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ का नाम है एथर लिमिटेड। एथर लिमिटेड, क्या आपने नाम सुना है? ये एक केमिकल कंपनी है, ये केमिकल्स बनाती है एंड ये सोल मैन्युफैक्चरर है कुछ स्पेशलिटी केमिकल्स। इस कंपनी के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी का इश्यू साइज एंड इंपॉर्टेंट डेट्स। यहाँ पे आईपीओ का इश्यू साइज एंड इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन है। अब हम ये जानते हैं कि क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या इस कंपनी में दम है, क्या इस कंपनी में कुछ ऐसा खास है कि ये आईपीओ अच्छा जाएगा। सबसे पहले तो ये जानिए कि कंपनी बनाती क्या है। मैंने जैसे बताया, ये स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है। आप हैरान हो जाएंगे जान के कि ये कंपनी कुछ ऐसे केमिकल्स बनाती है जो कि इंडिया में खाली ही बनाती है। This company is the sole manufacturer of these chemicals। आप ये देख रहे हैं chemicals जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं, ये chemicals वो sole manufacturer है, बना लेती है, which is a remarkable and a very big thing। Company के तीन business models हैं। सबसे पहले है large scale manufacturing of intermediaries and specialty chemicals। Second है CRAMS, which is contract research and manufacturing services। And third है contract manufacturing। Contract manufacturing आपको पता ही है कि किसी ने contract दिया थे manufacture the products को। Ether के company के दो manufacturing sites हैं, दोनों ही सचिन में हैं। सचिन is a place in Surat, Gujarat। वहाँ पे है इनकी दोनों manufacturing facility। Facility one जो है उनकी, वो सिर्फ dedicated है towards R&D। ये एक बहुत बड़ी बात है। 3500 square feet का ये जगह है, sorry 3500 square meter की ये जगह है। यहाँ पे सिर्फ R&D होती है, R&D and hydrogenation facilities and pilot plant। ये इस 3500 square meter में जगह में होता है। Facility 2 जो है, manufacturing facility 2 है, ये 10,500 square meter की जगह, जहाँ पे install capacity है 6,096 metric ton की, जहाँ पे 6,096 metric ton per year production होती है, और इसमें तीन buildings में spread है, 10,500 square meter की जगह है and 16 production streams है। ये जो मैं डाटा बता रहा हूँ, ये 30 सितंबर 2021 का डाटा है। ये कुछ टेक्निकल है, पर टेक्निकल डाटा आपको इसलिए बता रहा हूँ सो दैट यू हैव एन आइडिया कि कंपनी की अंदर कितनी जान है। अगर हम कंपनी की जान देखें तो 31 मार्च 2022 का जो डाटा है उसको हम देखें तो कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 25 प्रोडक्ट्स, बट ये 25 प्रोडक्ट्स कहाँ का सप्लाई होते हैं? 34 ग्लोबल कंपनीज, इंडियन कंपनीज में नहीं, 34 ग्लोबल कंपनीज। और वो ग्लोबल कंपनीज कहां पे है? 18 कंट्रीज में है। तो इसका मतलब 18 कंट्रीज में इसके फुटहोल्ड है। और इंडियन में भी ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं है, इंडिया में इसका माल सप्लाई होता है टू हाउ मेनी कंपनीज, टू 154 कंपनीज। और एक और मजे की बात है, ये कंपनी इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ 4MEP T2E NODG एंड HEE प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड बाय वॉल्यूम। जी हाँ, मैं दोबारा से बोलता हूं, कंपनी इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑल दीज केमिकल्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है बाय वॉल्यूम। मैं अगेन बोल रहा हूं, बाय वॉल्यूम। तो आप सोच सकते हैं कि कंपनी में जान दिखती है। आप कंपनी के अगर हम स्ट्रेंथ देखें तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसके पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो प्रोडक्ट्स है। इंडिया में आपको बताया, कुछ आपको केमिकल्स जो बताए थे वो इसके पास है। वर्ल्ड में ये कुछ केमिकल्स का बिगेस्ट वॉल्यूम प्रोडक्शन इसका है। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो है इसका। इसका फोकस R&D पे बहुत ज्यादा है। आपको मैंने एग्जांपल दिया ही है कि 3500 स्क्वायर मीटर की जगह तो खाली R&D के लिए रखा हुआ है, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। थर्ड इज कंपनी हैज अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन क्वालिटी, एनवायरमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी। एनवायरमेंट पे, हेल्थ पे इनका बहुत बड़ा तवज्जो है, तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है। इनकी एक्सपीरियंस प्रमोटर्स हैं और सीनियर मैनेजमेंट टीम है, वो अगेन एक रिमार्केबल थिंग है। आप ये सामने देख सकते हैं, ये सब इनके प्रमोटर्स हैं, तो दे हैव गॉट अ गुड एक्सपीरियंस प्रमोटर टीम आल्सो, सो दैट अगेन इज अ गुड पार्ट। अनदर बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज इनका लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है बिटवीन देयर पार्टनर्स। मैंने बताया ना, 34 ग्लोबल कंपनीज है एंड 154 कंपनीज है इंडिया में, तो उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखा हुआ है कि वो कहीं और जाते ही नहीं है, इन्हीं से ही माल लेते हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड भी है, मैं मानता हूं,
But in this case, they are maintaining their relationship in a good way. An experienced promoter team है, तो वो कहीं ना कहीं clients को जाने देती है. Second last biggest strength है कि ये largest producer है कुछ contract manufacturing के and large scale manufacturing के. मैं last इनका जो कहूँगा वो अच्छा strength है वो है consistent financial performance. अगर हम financial performance की बात कर रहे हैं तो अब हम नजर डालते हैं कंपनी के financials कैसे हैं. कंपनी के financials आपके सामने ये है. अगर हम नजर डालते हैं 31 मार्च 2019 को टोटल एसेट्स थे वो थे 206 करोड़, जो कि बढ़ के कितने हो गए 31 दिसंबर 2021 को 709 करोड़. अगर हम 31 मार्च 2021 का भी डाटा देखें, अगर हम ईयर टू ईयर कंपेयर करते हैं तो 452 करोड़ है. और आप देख सकते हैं 31 मार्च 2021 को थे 452 करोड़ और 31 दिसंबर को कितने हो गए 709 करोड़. अगर हम रेवेन्यू की नजर डालते हैं तो 31 मार्च 2019 को रेवेन्यू था 203 करोड़ रुपए, जो कि 31 मार्च 2021 को था 453 करोड़ रुपए, मोर देन डबल. एंड 31 दिसंबर को देखेंगे तो 449 करोड़ है, तो रेवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ है. अब हम नजर डालते हैं टुवर्ड्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 31 मार्च 2019 को था 23 करोड़ रुपए, 31 मार्च 2021 को था 71 करोड़ रुपए, ऑलमोस्ट ट्रिपल. और अभी हम देखें 31 दिसंबर 2021 को देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 82.90 करोड़. इवन रेवेन्यू चेक कम हुआ है एज कंपेयर टू 31 मार्च 2021, पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स द मेन नटशेल इज इन अ वेरी कंसिस्टेंट वे डूइंग वेल. तो इन अ नटशेल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही कंसिस्टेंट है. इनके जो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है, कुछ जगह पे दे आर द सोल मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोडक्ट्स इन इंडिया एंड कई जगह पे दे मैन्युफैक्चर सर्टेन प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड बाय वॉल्यूम दे आर द हाईएस्ट. तो ये एक उनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है और वो कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल में रिफ्लेक्ट हो ही रहा है. अब हम नजर डालते हैं कि जो ये पैसा रेज कर रहे हैं थ्रू दिस आईपीओ उसको कहां यूटिलाइज कर रहे हैं. फर्स्ट इज दे वांट टू रीपे सर्टेन बोरोइंग्स, और आई वुड से कि दे वांट टू रीपे ऑल देयर बोरोइंग्स. सेकंड इज कि दे वांट टू फंड देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी. वो कौन सी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, व्हिच इज अ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, उसके लिए दे आर यूजिंग दिस मनी. थर्ड इज दे वांट टू यूज दिस मनी फॉर वर्किंग कैपिटल, व्हिच इज अ गुड थिंग. And fourth is they want to use this money for general corporate purpose. तो कंपनी की जो directions है वो भी सही जगह पे है. Production facility को enhance करने की सोच रहे हैं. They are paying their borrowings and simultaneously for working capital. Working capital में जब भी पैसा infuse होता है तो automatically production बढ़ती है, sales बढ़ती है, which automatically is a very good and remarkable thing. और working capital तभी पैसा pumping होता है जब पीछे से demand हो. So in a nutshell मैं कहूँगा Ether Limited एक बहुत ही अच्छा IPO है. आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस आईपीओ में इन्वेस्ट जरूर करिए. इंडिया में केमिकल कंपनीज में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड आ रहा है. अगर केमिकल कंपनीज इंडिया में सही तरह से परफॉर्म करें तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में वी वुड बी पायनियर्स इन केमिकल. जैसे हम आईटी कंपनी में अपने आप को पायनियर्स मानते हैं एंड वी आर ऑल्सो, इसी तरह से हम केमिकल कंपनीज में भी पायनियर हो सकते हैं. So, मैं इस आईपीओ के लिए बिग थम्स अप देता हूं. आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें. कितना इन्वेस्ट करें ये आपकी पॉकेट आप खुद सोच सकते हैं. मेरा काम सिर्फ आपको एक एजुकेशन देना है. दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस. आपके अंदर पैसा डालना ना डालना आपका खुद का चॉइस रहेगा, बट पूरा पैसा ना डालिए. मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूंगा आप तोड़ तोड़ के पैसा डालिए, 5-6 लॉट लीजिए. लिस्टिंग गेन की तरफ ध्यान ना दीजिए. लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में इन्वेस्ट करें. कंपनी के प्रमोटर सही है, कंपनी की मैनेजमेंट सही है, प्रोडक्शन कैपेसिटी ठीक है, फाइनेंशियल ठीक है, और क्या चाहिए. सब कुछ तो बिल्कुल ठीक है. इसके सिवाय भी अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप नीचे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं. मी एंड माय टीम विल गाइड यू एंड असिस्ट यू. अगर अभी तक आपने डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे दिए लिंक पे क्लिक करें. मी एंड माय टीम विल हेल्प यू इन ओपनिंग योर डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट विदाउट एनी चार्ज. जी हाँ, बिना चार्ज के आपका डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाएगा. आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जुड़े रह सकते हैं. आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें. थैंक यू.